अपराधी निर्दोष बन के अगर दाम हो झूठा इल्जाम मुझ पर और लगाने चला कत करके करता बदनाम है। पहले ये तो बता तेरे लोग पहले खून के छिछड़े कपड़े पर तेरे पड़े डर के मुझे भगे जाता दोनों किट घर में और अभी रहता हूं मैं राकिट घर में जाएगी कौन चोरा उसे और मैं नहीं जानता रात में वो हवेली पर क्यों आएगी। जब तेरा लाकेट हवेली के अंदर है लाकेट लेकर आ और प्रताप को दिखा जा लेकर आ जा जल्दी लेकर आ छोड़े छोड़े। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है लाकेट लेकर आ। आपकी छोटे को बुला रहे विजय भाई को हाँ वो तो खिड़की गिराते हो बाहर को भाग रहा है। बेटे जो आंखें सत्य का मार्ग छोड़कर अधर्म की वो चल पड़े उन आंखों का बंद रोना जरूरी है। इसका मतलब दादाजी ने मुझसे झूठ बोला था। ठीक है दादाजी कोई बात नहीं। कहाँ जाऊं मेरे समझ नहीं आता मेरा सर चकरा रहा है। क्या करूं अगर फोन खुल जाएगा तो मेरे भाई मुझे जान से भाई को रामगढ़ की सरहद से लेकर नहीं जा सकते। दुश्मन बना अपना प्रताप सिंह मारने के लिए पल्लिया थाने मारने के लिए ये तो बहुत अच्छा हुआ आकलन तुम यहां बहुत अच्छा हुआ। दूंगा मुल्क अदम बदला लूंगा सभी अपने अपमान का जल जाने का बदला चुका लेंगे हम। बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ। भंडारी वा हरे राम इधर आओ बहुत जल्दी आओ। ये हमारा रामगढ़ के छोटे ठाकुर विजय सिंह हैं।
इनकी सेवा करना है और क्या सेवा करना है मैं बतला रहा हूं। ये तो आज की रात घर मेरे मेहमान का आज रात घर मेहमान का डट के सेवा करो कुछ कमी न रहे मुर्गा मछली मटन जो कहे इनका मन प्यो रंगीन और कोई गम ना रहे मुर्गा मछली मटन जो कहे इनका मन प्यो रंगीन और कोई गम ना चाचा जी ले चलो छोटे को ले चलो कमरे के अंदर और भंडरिया चल था हम जाते हैं मिल्कीपुर हाँ उधर जवान चुप 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 ले ये बोल मेरी बहन कातिल को कहा छुपा कर रखा है बोल साहब कैसे मैं नहीं जानता हूँ तागा नहीं था अपना नंबर है नंबर दरवाजा लगा दोनों के हाथ में हथकड़ी हरी रमा चल जा राजा लगा हथकड़ी